अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक दफ़ा मैसेज कर दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर हो चुकी है और आवाज़ आ रही है। चलिए ठीक है। कल हमने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद हमने कहा था कि आज हम गिग के ऊपर बात करेंगे, तो इंशाल्लाह हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं कि गिग बेसिकली जो है ना आज हमने बनानी है। गिग की उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक समझ आ चुकी होगी और गिग क्या होती है ये भी आपको आइडिया हो गया होगा। मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, किसी ने की है? काइंडली अगर की है तो मुझे मैसेज कर दें जल्दी से क्विकली। एक असाइनमेंट कल आपको दी थी, किसी ने अगर की हो तो मैसेज कर दें। चले मेरे ख्याल में किसी ने भी नहीं की। चले जो है ना वो हम उसको रिवाइज कर लेते हैं। ये था कि कल हमने कुछ पढ़ा था अबाउट जो है ना वो प्रोफाइल के बारे में और उसके बाद गिग के बारे में आपको थोड़ा सा बताया था, तो आज हम उसी को ही आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो फ्री लांसिंग है ना ये बेसिकली अर्निंग है और कोई भी आपको पैसे इतने आसानी से नहीं दे देता। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा मेहनत करना पड़ती है। मैंने आपको पहले जो मैसेज सेंड किया था उसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ था कि इन हाउ मच डेज आई कैन अर्न, कितने दिनों में मैं पैसे कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ, या मैं कितने दिनों में सक्सेसफुल फ्री लांसर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। तो उसके लिए फिर आगे एक वर्ड लिखा हुआ था कि इट डिपेंड्स अपॉन योर इनर डिज़ायर, यानी ये आपकी जो इनर विश है ना कि मैंने पैसा कमाना है, मैंने अर्न करना है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। आपको जब मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास लेने के बाद आप उसको एक्सप्लोर करें चीज़ों को, ठीक है? तो फ्री लांसिंग को एक ऑनलाइन अर्निंग समझें, एक जॉब समझें। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ये फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता लेकिन ये जॉब होती है। आप किसी को काम करके देते हैं तो आपको पैसे मिलते हैं, अदरवाइज वो आपको पैसे नहीं देते, ठीक हो गया? तो फ्री लांसिंग को या इस तरह से फाइबर की या कोई इस तरह से आपको जो वीडियोस या असाइनमेंट्स दिए जाए उसको एक दफ़ा आप लोग कर लिया करें, फिर मैसेज पे पूछ लिया करें। चार पांच लोग हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं, कॉन्टैक्ट करते रहते हैं, बड़ा खुशी होती है कि चलो जो है ना वो इनके अंदर एम्बिशियस है, ख्वाहिश है कि जो है ना वो फ्री लांसर बन जाए। अच्छा, ये हम गिग को जो है ना वो आगे स्टार्ट करते हैं। गिग को मैं एक दफ़ा दोबारा डिवाइस करवा देता हूँ कि ये हमारे पास जो नीचे डिफरेंट टाइप्स की छोटे छोटे जो पिक्स नज़र आ रही हैं, ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? गिग बोलते हैं। और ये गिग ही बेसिकली आपका एक पोर्टफोलियो होता है या एक आपकी प्रोफाइल होती है जो कि यूज़र को अट्रैक्ट करती है और आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के काबिल हो जाते हैं। अब अगर आप इस चीज़ को देखें तो ये गिग के ऊपर जो सबसे टॉप के ऊपर पहली चीज़ आपको क्या नज़र आ रही है? आपको ये पिक नज़र आ रही है और ये आपको वीडियो नज़र आ रही है, ठीक है? और उसके बाद नीचे आपको उसका क्या नज़र आ रहा है? यूज़र नेम। और थर्ड नंबर पे क्या नज़र आ रहा है? आपको उसका टाइटल नज़र आ रहा है। इट मीन्स के
जो गिग के अंदर सबसे पहली जो चीज अट्रैक्ट करती है यूजर को या क्लाइंट को, वो क्या है? उसकी वीडियो या उसकी पिक्चर, और दूसरी चीज क्या कि उसका टाइटल। ठीक है, जितना टाइटल बेहतरीन होगा उतनी ज्यादा उसकी जो क्वालिटी है वो ज्यादा बेहतर होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें आपने देखा होगा कि इसमें दो चीजें नजर आ रही हैं, एक पिक है और दूसरी क्या है, वीडियो है। मैं आपको दिखा देता हूँ। अब जैसे हमने ये फिजा उस्मान की चेक की थी, उसके अंदर क्या थी, पिक थी, लेकिन इसके अंदर क्या है जी, इसके अंदर हमारे पास वीडियो है। अच्छा, आप लोगों के ख्याल में पिक वाला ज्यादा बेटर रहता है या वीडियो वाला ज्यादा बेटर रहता है? कोई इसके कोई क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन का आंसर कर देगा कि ज्यादा पिक बेटर रहती है या वीडियो बेटर रहती है? इसका अगर जल्दी से रिप्लाई कर दें। पिक बेटर रहती है, और ठीक है, और कोई रिप्लाई कर जल्दी से। मेरा ये होता है कि आप लोग इंगेज रहेंगे ना तो वो एक ज्यादा मजा आता है। ठीक है, वीडियो बेटर है। ठीक है, चार जो है ना वॉट हो चुके हैं पिक के, और दो हो चुके हैं वीडियो के। कोई एक दो और करते मैसेज, पिक पांच हो गए वॉट। चलें जी, अक्सर मेजॉरिटी जो है ना वो सही होती है, लेकिन यहाँ पर मेजॉरिटी गलत है। वीडियो बेटर रहती है। उसकी रीजन क्या होती है कि वीडियो अगर आप ऐड करेंगे ना, तो उसके इफेक्ट जो आके क्लाइंट है उसके ऊपर क्या जाता है कि आप अपने काम के साथ सिंसियर है। बहुत सारे लोग फाइबर के ऊपर ऐसे अकाउंट बना देते हैं और उसके बाद उसको यूज भी नहीं करते। ठीक है, मतलब ऐसे टाइम पास करने के लिए चले बना देते हैं, कभी ऑर्डर आ गया तो हम कर देंगे, वरना उसे वैसे ही पढ़ा रहने देंगे। ठीक है, तो ये जब आप वीडियो बनाकर सेंड करते हैं ना, तो जो सबसे पहला मैसेज क्लाइंट को जाता है वो ये है कि आप प्रोफेशनल हैं और आप अपने काम के साथ फुली सिंसियर हैं, मोटिवेटेड हैं, और कहते हैं जला कर आए हैं कि मैंने फ्रीलांसर बनना है। क्लियर हो गया। तो और एक और बात याद रखिएगा कि जो है ना ये यूरोपियन कंट्रीज के या इस तरह से यूएसए के क्लाइंट्स, यूके के क्लाइंट, फ्रीलांसिंग में दो टाइप्स की मार्केट है, एक है यूके की और एक है यूएसए की, मेनली जो मार्केट है। अब ये जो दोनों है ना, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और सेंसिटिव इस लिहाज से कि वो जल्दी ट्रस्ट नहीं करते किसी के ऊपर, और अगर किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लें फिर आपको छोड़ते नहीं है। लेट्स सपोज कि अगर कोई क्लाइंट आपके साथ अटैच हो गया, तो और अगर उसने जो है ना वो बाद में अगर एक और प्रोजेक्ट बनवाना है तो आपसे ही कॉन्टेक्ट करेगा, और आप से कॉन्टेक्ट करने के बाद अगर आप लेट्स सपोज कि उस काम में एक्सपर्ट नहीं है, तो कोई और वो आपको कहेगा कि आप ही रेफर करें। इट मीन्स कि वो आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, लेकिन हाँ ये है कि उसका ट्रस्ट बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ट्रस्ट बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है वो ये होती है कि आप उसे पहला व्यू ही अट्रैक्टिव दें। तो वो अट्रैक्टिव किस तरह से हो जाएगा, आप अपनी वीडियो एक बना लें। तो ये कल की असाइनमेंट आप लोग सुन लें कि कल आप लोगों ने ना एक मिनट से कम, एक मिनट मैक्सिमम वन मिनट, उससे कम बल्कि हो, आप लोगों ने ना एक अपनी वीडियो बनानी है। ठीक है, वीडियो किस तरह से बनानी है, जैसे लेट्स सपोज कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं वेब डेवलपर हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, हाय आई एम मुस्तनसर रियाज, आई एम वर्डप्रेस डेवलपर या वेबसाइट डेवलपर एंड हैव वर्कड ऑन मैनी साइट्स इन पास्ट विद डिफरेंट क्लाइंट्स एंड हेयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ माई वर्क। दो तीन एग्जाम्पल दे दें। ठीक है, और इफ़ यू वॉन्ट टू हायर मी देन I am your guy and can provide you best work and efficient work. ठीक है, ये आप चंद एक छोटे सा एक मैसेज उसे डिलीवर कर दें। ठीक है, आप अपने काम के बारे में, और साथ में जो आपने काम किया होगा उसकी एक आधी पिक भी उसके साथ ऐड कर दें। तो इस तरह से होगा क्या कि आपका जो इम्प्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर साबित होगा और आपको ही ज़्यादा लोग हायर करेंगे, और ये पहला बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि फाइवर उस गिग को टॉप के ऊपर लेकर आता है जिसमें वीडियो होती है। ठीक है,
तो जिसकी वीडियो होगी उसकी जो रेटिंग है वो भी ज्यादा ऊपर जाएगी, रैंकिंग टॉप पे जाएगी। क्लियर हो गया? उम्मीद है आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। आज वैसे हम गिग बनाएंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे पिक्स के जरिए, लेकिन आप सारों ने कोशिश करनी है कि एक आधी वीडियो बना लें जिसके जरिए आपने अपनी जो पोर्टफोलियो है उसको एक्सप्लेन कर देना। मैंने आपको 4 से 5 मैक्सिमम कुछ 6-7 सेंटेंसेस होंगे, ठीक है? कोई आपने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जैसे तरह से नहीं बताना, जस्ट आपने ये बताना है कि मैं ये हूँ, ठीक है, मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, मैं आपके ये इस तरह से काम आ सकता हूँ, और एंड पे आप अपना ट्रस्ट इंश्योर करवा दें कि मैंने ये जगहों पर काम किया हुआ है, तो अगर आप मेरे से जो है ना वो काम करेंगे तो आपको एक बेटर जो है ना उस फैसिलिटी या सर्विसेज प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? और साथ में आप उसे ये भी कह दें कि आई कैन गिव यू सम एक्स्ट्रा वर्क एज गिफ्ट। अगर आप लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक डेट एंट्री के काम कर रहे हैं और डेट एंट्री काम करते हुए आपने 1000 वर्ड्स उसने कहे थे, ठीक है, आप क्या करें कि 1100 वर्ड्स लिख दें। 100 वर्ड्स लिखने में मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेंगे, ठीक है, मैं एक मैक्सिमम बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम अगर आप बिल्कुल ही जीरो लेवल पे, लेकिन वो जो आपके 8-10 मिनट जो होंगे ना वो आपकी इम्प्रेशन उसके ऊपर ऐसा छोड़ेंगे कि वो आपको लाइफ टाइम आप छोड़ेगा नहीं, लाइफ टाइम आपके साथ अटैच हो जाएगा कि इसने मुझे एक्स्ट्रा जो है ना वो पे किया है या एक्स्ट्रा जो है ना वो काम करके मुझे सेंड किया। आपको टिप भी सेंड करेगा, आपके साथ हमेशा अटैच भी हो जाएगा, ठीक हो गया? तो हमेशा कोशिश करें कि क्लाइंट को जो है ना वो एग्री करें, ठीक है, क्लाइंट को कन्विंस करें, क्लाइंट को जो है ना वो अट्रैक्टिव बनाएं। तो वो कैसे बनाएंगे, ये जो 2-4 आपको टिप्स दे रहा हूँ, ये 2013 से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और अब तो मैं एक खुद एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फाइबर ऑफ वर्क को मिला करना एक अपना प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दुआ करें अल्लाह करे कामयाब हो जाए, काफ़ी पैसा भी इसके ऊपर इन्वेस्ट हम कर चुके हैं। तो मैं ये सारे जो आप एक्सपीरियंस का जो निचोड़ है ना वो आपको बता रहा हूँ कि जिसके ज़रिए आप फौरन बूस्ट करके टॉप पे जा सकते हैं, ठीक है। ये 2-4 चीज़ें मैंने कहा कि आपको एक बता दूँ ताकि जब हम गिग की तरफ आए तो उसमें हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें गौर से लिखनी है, तो फिर आप कहें कि गिग तो एक ऐसी वैसी चीज़ है, इसमें तो कोई इतना मसला नहीं होता ये वो इस तरह से, तो मैं इसलिए आपको पहले थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया कि गिग ही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है और यही फर्स्ट इम्प्रेशन होता है, और क्लाइंट को ग्रैब कैसे करना है ये सारी चीज़ें आगे भी इंशाल्लाह मैं आपको रिटर्न फॉर्म में सेंड कर दूंगा कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक हो गया? अच्छा, सबसे पहले हम सब देखते हैं फिज़ा उस्मान की। मैंने आपको पहले भी इसकी गिग चेक करवाई थी, अब इसने 521 सेल कर चुकी हैं और एक ऑर्डर इसका है क्यू में, ठीक है, इट मीन्स का अभी ये एक ऑर्डर इसका कंटिन्यू है। और अगर जो है ना वो लेट्स सपोज के भी पाकिस्तानी है मेरे ख्याल में, पाकिस्तान से हैं, ठीक है। अब ये देखें कि 521 उन्होंने सेल की है, ठीक है, अब ये बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम, लेट्स सपोज के उन्होंने स्टैंडर्ड पैकेज ही सेल किया, 4000 को 521 से मल्टीप्लाई करें कितने पैसे उन्होंने अर्न कर लिए होंगे, ठीक है। तो ये कि हमारी पाकिस्तानी खातून ही हैं, हमारी तरह ही हैं, और ये मत सोचेगा कि ये लेवल 2 की सेलर हैं या इस तरह से ये टॉप रेटेड हैं, ये तो बहुत पैसा कमा रही होंगी या बहुत कमाल के, हम तो अभी जीरो लेवल पे हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि फिज़ा उस्मान भी हमेशा, इसने भी हमारी तरह ही जीरो लेवल से स्टार्ट किया होगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये जो मतलब आपको ऑर्डर नज़र आते हैं या इस तरह से रेटिंग नज़र आती है कि इन लोगों की ये तो टॉप रेटेड चले गए ये वो इस तरह, एक्चुअली उन्होंने भी जीरो से ही स्टार्ट किया होता है। फाइबर कभी भी ये नहीं कहता कि चलो फिज़ा उस्मान फिज़ा उस्मान कहे कि मैं आपको 1,00,000 रुपए दूंगी मुझे लेवल 2 का सेलर बना दें, ऐसा कुछ नहीं होता, सारे जीरो से ही आते हैं और लेवल 2 लेवल 3 या टॉप रेटेड तक चले जाते हैं। क्लियर हो गया? तो आप भी इस स्टेज पर पहुंच सकते हैं लेकिन मेहनत के साथ, ठीक हो गया। अच्छा, हम अभी अपनी गिग को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अब जल्दी से अपनी जो है ना वो ये इस तरह से जो प्रोफाइल है उसको ओपन कर दें और हम आगे बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक करके गिग को क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैंने दोबारा बिकम अ सेलर के ऊपर क्लिक कर दिया, आगे मैंने कंटिन्यू, ठीक है, ये इसको भी कंटिन्यू,
कंटिन्यू किया और ये सारी प्रोफाइल हमने कल फिल कर ली थी। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू करता जाता हूँ और इसको भी मैं आगे कंटिन्यू कर दिया, फिर आगे मैंने कंटिन्यू कर दिया, फिर आगे मैंने कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, फिनिश। और उसके बाद आगे हमने अब बनानी है गिग। ठीक है, अब इसके अंदर गिग के अंदर सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है, टाइटल। और टाइटल मैंने आपको बताया था इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज व्हेन समवन ओपन द पेज ऑफ गिग देन फर्स्ट थिंग विल विच विल ओपन इज ओनली टाइटल एंड योर यूजर नेम विद योर पिक्चर। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज नजर आती है वो क्या है, उस टाइटल है। अब एक और भी चीज आपको बताना चाहता हूँ। अब जैसे देखें, लेट्स सपोज कि मैंने ऊपर सर्च किया डेट एंट्री। ठीक है, मैंने कल सर्च किया था डेट एंट्री का, सर्च किया था डेट एंट्री जॉब्स। अब मैंने डेट एंट्री जॉब सर्च किया तो उसी से रेलिवेंट जो मिलते जुलते टाइटल वाली चीजें हैं वो डिस्प्ले हो गई हैं। क्लियर हो गया? तो अब अगर लेट्स सपोज कि इसने लिखा होता आई विल डू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन डेट एंट्री जॉब्स, अब ये डेट एंट्री जो वर्ड है ना, ये की वर्ड है। अब अगर इसने लेट्स सपोज कि लिखा होता आई विल डू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जॉब्स, ठीक है, डेट एंट्री नहीं लिखा होता, तो ये सर्च बार में कभी भी इसकी जो गिग है वो डिस्प्ले नहीं होनी थी। तो हमेशा जिस कैटेगरी की आप गिग बना रहे हैं, जैसे आप वेब डेवलपमेंट की बना रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे, आई विल डू ऑनलाइन ऑफलाइन डेट एंट्री या वेब डेवलपमेंट जॉब्स, आई विल डू एक्सेल वर्क, आई विल डू एमएस ऑफिस वर्क, या इसी तरह से अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पर काम करना चाहते हैं तो आप लिखोगे आई विल डू एज वर्चुअल असिस्टेंट। मीन के जो की वर्ड्स हैं उनको आप यूज करें। क्लियर हो गया? जो आपकी मेनली जॉब्स है। अच्छा, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, आई विल डू और ये कोशिश करें कि जो पहला वर्ड है वो कैपिटल हो। ठीक है, हमेशा पहला जो वर्ड है उसको कैपिटल लिखें टाइटल के अंदर। ये आप साथ 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 लिखते जाएं। ठीक हो गया, ये हमने टाइटल लिख लिया। अच्छा, उसके बाद आगे आप नीचे आ जाएं, यहाँ पर साथ में आपको बता रहे हैं कि कैटेगरी सेलेक्ट करें, सेलेक्ट अ कैटेगरी। तो हमने कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करनी है, ये डेटा एंट्री की जॉब है, तो राइटिंग ट्रांसलेशन, ग्राफिक्स डिज़ाइन आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन आ रहा है, वीडियो एंड एनिमेशन, म्यूजिक, प्रोग्रामिंग, टेक। हमने बिजनेस के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो डेटा एंट्री की जॉब आ जाएगी। ठीक है, ये वर्चुअल असिस्टेंट, डेटा एंट्री, मार्केट रिसर्च, ये सारी उसी के अंदर आ जाती हैं। अगर आप सर्च करते हैं ना राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में, तो इसने में आर्टिकल्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक हो गया, आर्टिकल्स हो गया, रिज्यूम राइटिंग हो गया, प्रूफ रीडिंग हो गया, ये इस तरह से टेक्निकल राइटिंग। तो हम अभी डेटा एंट्री के हवाले से कर रहे हैं, तो हम किसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये बिजनेस के ऊपर। अच्छा, उसके बाद सब कैटेगरी आ जाएगी, सब कैटेगरी में हमने क्लिक कर दिया डेटा एंट्री के ऊपर। और उसके बाद इधर हमने टैग लगाने हैं। अब ये टैग कहाँ से कॉपी करने हैं, टैग बेसिकली हम कॉपी करेंगे ये वाले। ठीक है, डेटा एंट्री टाइपिंग वर्क, डेटा एंट्री वर्क, एक्सेल डेटा एंट्री टाइपिंग जॉब, डेटा एंट्री 24 आवर्स, कॉपी पेस्ट, डेटा स्क्रैपिंग, कुछ इस तरह से। मतलब ये सारे जो है ना, ये हमें वर्ड नज़र आ रहे हैं जिनको, जो कि सजेस्टेड है मीट के, इन्हीं की बेस के ऊपर हमारी जो गिग है वो रैंकिंग करेगी। ठीक है, तो मैंने पहला लिख दिया डेटा एंट्री टाइपिंग वर्क। क्लियर हो गया, डेटा एंट्री। ठीक है, ये आ गया।
उसके बाद दूसरा जो सर्च टैग है, सर्च टैग का मतलब क्या होता है कि आपकी गिग फिर उसी लिहाज से रैंक की जाती है। और दूसरा क्या था, डाटा एंट्री वर्क, एक्सेल डाटा एंट्री लिख लें। एक्सेल डेटा एंट्री, उसके बाद हम लिख लेते हैं टाइपिंग जॉब। और क्या आ जाएगा, वर्कशीट्स, वर्क कॉपी पेस्ट एक लिख देते हैं। पूरा नहीं लिखा गया, कॉपी पेस्ट। ठीक हो गया। और उसके बाद हम इसे सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। पहला पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद आगे हमने पैकेजेस को सेलेक्ट करना है। मैंने आपको बताया था हर गिग के तीन पैकेजेस होते हैं, ठीक है। एक होता है बेसिक, दूसरा होता है स्टैंडर्ड और तीसरा होता है प्रीमियम। मैं इसको क्लिक करता हूँ, थ्री पैकेजेस को अलाउ कर देता हूँ। गॉट इट के ऊपर क्लिक किया और पहले पे जो है ना वो हमने पैकेज का नाम लिख लेना है। बेसिक लिख लेते हैं, आप वैसे वो बाकी भी लिख सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड और जो प्लाटिनम होता है वो भी आप लिख सकते हैं, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन ये एक बेसिक लिख लें। बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, यही जो ऊपर वाले नाम है ना यही आप लिख लें। उसकी रीज़न क्या है कि ये समझने में आसानी होती है। कुछ नॉन टेक्निकल बंदे आ जाते हैं फिर उनको सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज का या वो प्लाटिनम को पता नहीं होता। उसके बाद हमने तीसरे का नाम रख लिया प्रीमियम। अब जो बेसिक पैकेज है, जो कि नॉर्मल क्लाइंट आता है उसको हम बेसिक पैकेज सेल करेंगे, स्टैंडर्ड वाले को थोड़ा सा अच्छा पैकेज सेल करेंगे, प्रीमियम वाले को सबसे अच्छा सेल करेंगे। उसके बाद हम जो है ना वो इधर से टाइप करेंगे कि कितने वर्ड्स हम टाइप करेंगे तो आपसे चार्ज लेंगे। जैसे मैं दोबारा से वो फिज़ा उस्मान की जो गिग है उसको दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब ये देखें, जैसे उसने बेसिक में क्या है, फॉर 3 आवर्स ऑफ सिंपल डाटा एंट्री जॉब्स, टाइपिंग, कॉपी पेस्ट, फाइल कन्वर्जन, 100% सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो हम भी, इसने जो है ना वो मांगे हुए थे, कितने पैसे मांगे हुए हैं जी, 2629 मिनट के, कोई कोई 10-12 बल्कि ज़्यादा 15-1 डॉलर इसने मांगे हुए हैं, 15-16 डॉलर। लेकिन ये हम अभी स्टार्ट जो लेंगे ना वो $5 से लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं लिख लेता हूँ 2 आवर्स में वर्क करूँगा। इन 2 आवर्स में वर्क करूंगा और उसके बाद मैं इसको इधर चेंज कर देता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ 5 आवर्स, 6 कर देता हूँ और इधर मैं कर देता हूँ 10 आवर्स।
ऑर्स, ठीक हो गया। और इधर डिलीवरी टाइम मैं 1 डे कर देता हूँ, और इसको मैं डिलीवरी टाइम कर देता हूँ 4 डेज, और इसको मैं कर देता हूँ 8 डेज। ठीक है, कि मैं अगर आप मेरा ये बेसिक वाला पैकेज खरीदते हैं तो मैं आपको 2 घंटे काम करके एक ही दिन में डिलीवरी कर दूंगा। दूसरा ये है कि अगर आप मेरा स्टैंडर्ड वाला करते हैं तो मैं आपको 6 आवर्स वर्क करूंगा पर डे में, और 4 डेज के अंदर आपको डिलीवरी कर दूंगा। दूसरा एक 10 आवर्स काम करूंगा और 8 डेज में डिलीवरी कर दूंगा। ये इसके बारे में घबराना नहीं है कि जो है ना वो आपको इतने ज़्यादा, मतलब ये फिक्स है कि ये इतने ही दिनों में या इतने टाइम में ही करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली ये एक जस्ट एक क्लाइंट को आइडिया देने के लिए होता है कि मैं इतने आपसे जो है ना वो चार्ज करूंगा। बिल्कुल इंशाल्लाह, हम भी जीरो से हैं और इंशाल्लाह टॉप रेटेड सेलर बनेंगे। अच्छा, उसके बाद आवर्स ऑफ वर्क मैंने ऊपर लिख दिया, फिर मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ 2 आवर्स। और उसके बाद ये मुझसे कितने मांग रहे हैं, मैं 4 आवर्स के 6 आवर्स का हुआ था 6 आवर्स, और इसके लिए मैं कितने घंटे काम कर सकता हूँ 10 आवर्स। क्लियर हो गया। उसके बाद जो है फॉर्मेटिंग एंड क्लीन अप, बेसिक में मैं नहीं दूंगा, जो स्टैंडर्ड और प्रीमियम है उसमें मैं दूंगा। इसको भी मैं बेसिक में नहीं दूंगा, स्टैंडर्ड और प्रीमियम में दूंगा। रिवीजन्स, रिवीजन्स क्या होती हैं कि वो आपसे अगर एक दफ़ा काम गलत हो गया तो कितने दफ़ा आपसे रिपीट करवा सकता है, तो हम इसको अनलिमिटेड करेंगे, जितनी मर्जी दफ़ा चाहे रिपीट करवा सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद ये प्राइस, इसकी मैं $5 रख लेता हूँ, इसकी मैं $25 या $30 कर देते हैं, और इसकी मैं रख लेता हूँ $60। अच्छा, अब आप परेशान हो रहे होंगे कि $5 यानी सिर्फ 900 रुपये, 800-900 रुपये, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने आपको पहले बताया कि ये सिर्फ जस्ट क्लाइंट को एक आइडिया देने के लिए होता है कि इतने पैसे आप चार्ज करते हैं, लेकिन क्लाइंट आपको कभी भी जो है ना इस पे गिग पे आपको ऑर्डर नहीं देता, बल्कि वो कस्टम ऑर्डर देता है। मैंने कई बल्कि हजारों लोग ऐसे देखे हैं जिनकी गिग जो है ना वो $5 से स्टार्ट होती है, लेकिन वो जो चार्ज करते हैं वो $500, $600, $700 तक चार्ज करते हैं। क्लियर हो गया। तो इसी वजह से जो है ना वो ये $5 जस्ट उसको झांसा देने के लिए होती है कि मैं आपको कम से कम प्राइस में दूंगा। और इसका एक और जो सबसे बड़ा बेनिफिट वो ये है कि अब देखें ना, जैसे मैंने डेटा एंट्री जॉब्स के लिए सर्च किया, मुझे यहाँ पर ऑप्शन नज़र आ रही है जी कैटेगरी की, ठीक है, जो डेटा एंट्री के हमने सेलेक्ट कर दिया। अब आगे सर्विस ऑप्शन नज़र आ रहा है, फॉर्मेटिंग एंड क्लीन अप, जो हमने दोनों के ऊपर क्लिक कर दिया। अच्छा, उसके बाद आगे सेलर डिटेल्स नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये टॉप रेटेड आ गया। अब ये देखें, ये बजट, अब मिनिमम इसके ऊपर जो बजट होता है ना वो $5 का होता है, और मैक्सिमम $5,000 का होता है। अब हम अगर $10 लिख देते हैं, $6 लिख देते हैं, तो इट मीन्स कि हम $5 वाली कैटेगरी से तो निकल गए, समझ आ गई ना। तो हम फाइवर के ऊपर हर कैटेगरी के अंदर मौजूद रहे, अगर कोई छोटा क्लाइंट है तब भी हमारी गिग गए, और अगर कोई बड़ा क्लाइंट है तब भी हमारी गिग गए, ठीक हो गया। अब जैसे वो $5 से सर्च करता है तो जो $5 वाली होंगी ना वो सारी गिग जो है ना इधर क्या हो जाएंगी, डिस्प्ले हो जाएंगी। सर दोबारा रिपीट करवा दें, मैंने सही सुना नहीं। हाँ जी, इधर दोबारा, से यही वाला, यही वाला। हाँ जी, दोबारा देख लें कि अभी हमने गिग के अंदर देखा ना, गिग के अंदर 2 चीज़ें थी। एक तो ये था कि मैंने डिलीवरी टाइम 1 डे रखा, और स्टार्ट मैंने कहाँ से लिया, $5 से। तो मैंने आपको बताया कि ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि $5 में ही आप जो है ना वो प्रोजेक्ट पकड़ेंगे, ज़रूरी नहीं होता। जब क्लाइंट एक दफ़ा आपकी गिग को देखता है, फिर आपको मैसेज करता है कि आप, ये मेरा काम है, क्या आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। अगर आप कर सकते होते हैं तो फिर वो आप उसके साथ बजट निगोशिएट करते हो कि भाई मैं आपसे $40 दूंगा, $100 दूंगा, जितने भी होंगे। क्लियर हो गए यहाँ तक। तो अब ये देखें, अब इसके ऊपर जो मिनिमम अमाउंट है वो $5 है, कितनी है, $5। अब अगर मैं उधर सेलेक्ट कर देता हूँ $6, अब कोई सेंट कर सर्च करता है $5,
तो इट मीन्स कि हम तो उसके कैटेगरी से निकल गए, लेकिन हाँ ये है कि अगर हमने लिखा होगा ना इधर $6 या सॉरी $5, तो हम हर कैटेगरी में आएंगे। इट मीन्स कि क्लाइंट एक ना एक दफा, छोटा क्लाइंट भी हमारे पास आएगा, बड़ा क्लाइंट भी आएगा, और ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप उसको किस तरह से मोटिवेट करते हो। जैसे एक सोना या लोहा गर्म हो जाता है ना, तो फिर उसको जिस तरह से मर्जी मोल्ड कर लीजिए, वो आपकी मर्जी होती है। जब एक दफा क्लाइंट आपके पास इनबॉक्स में आ जाए, तो उसको कन्वर्सेशन के जरिए, जैसे मैंने अभी आपको दो चार ट्रिक्स दिए थे, और भी इंशाल्लाह आपको दूंगा, तो उसके जरिए आप उसको जैसे मर्जी मोल्ड करके ले कर चले जाए। आप देखिए इसमें मिनिमम जो डिलीवरी टाइम है वो कितना है, 24 आवर्स। अब मैं अगर आप तो 24 आवर्स सेलेक्ट करूंगा, तो जो 24 आवर्स वाली गिग हैं वो फिल्टर होकर आ जाएंगी। क्लियर हो गया? अब ये देखिए सारे वन डे वाली हैं, वन डे वाली। अब अगर मैंने इधर लिखा होगा टाइम, जी वन डे से ज़्यादा लिखा होगा, ठीक है, जो मैं अभी कर रहा था, तो उसमें अगर मैं वन डे से ज़्यादा लिख देता हूँ, तो इट मीन्स कि मैं उस वाली कैटेगरी से चला गया। तो फाइबर के ऊपर हमने अगर स्टे करना है, अगर हम बिल्कुल न्यूली हैं, तो हर छोटी से छोटी कैटेगरी के अंदर भी मौजूद रहे और बड़ी से बड़ी कैटेगरी के अंदर भी मौजूद रहे, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो ये $5 से परेशान नहीं होना कि ये $5 है, ठीक है। तो $5 नहीं है, बल्कि ये मैंने आपको बताया कि एक दफा जब क्लाइंट आ जाता है, फिर जिस तरह से मर्जी उसको मोल्ड करके चले जाए। उसके बाद एड एक्स्ट्रा सर्विसेज, इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ दें, ठीक है। ये मैं आपको बाद में, हमने गिग को एडिट करना है, ठीक है। अभी कल अगर मैंने आपको वो जो स्केड्यूल स्केड्यूल सेंड किया था ना स्टार्टिंग में, तो उसमें पहला हमारा पोर्शन था Day 1 के अंदर के प्रोफाइल को कंप्लीट करना है फाइबर वगैरह की। दूसरा जो हमारा था वो ये था कि आज गिग को कंप्लीट करना है, और तीसरा जो कल है ना वो ये है कि गिग के अंदर मजीद मॉडिफिकेशंस करने हैं, जिसकी मैं आपको असाइनमेंट दे चुका हूँ, ठीक है। तो ये जब हम मॉडिफिकेशन करेंगे ना, तो फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेन करूंगा, इसको कम्प्लीटली ब्रीफ करूंगा, ठीक है। आगे आ जाए सेव एंड कंटिन्यू। आगे हमने ब्रीफली डिस्क्राइब योर गिग। अब ये जो मैं कल आपको बता रहा था कि जब हम किसी की गिग को ओपन करते हैं, तो जो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो होती है उसकी प्रोफाइल पिक, या सॉरी जो उसकी गिग की जो पिक है वो डिस्प्ले होती है। उसके अलावा साथ में क्या चीज़ डिस्प्ले होती है, उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक हो गया। अब जैसे मैं फिजा उस्मान की जो डिस्क्रिप्शन है उसको ओपन करता हूँ, तो आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन नजर आ रही है अबाउट दिस गिग। ये सारा जो लिखा हुआ है, जो उसकी क्या है डिस्क्रिप्शन है गिग के बारे में, जैसे मैं पढ़कर सुनाता हूँ। फास्ट रिलायबल एंड मोस्ट एक्यूरेसी डाटा एंट्री अवेलेबल ऑनलाइन, ऑल काइंड ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट एडमिन सपोर्ट फॉर ऑफिस असिस्टेंट एट योर फिंगर टिप्स, ठीक है। फिर आई एम प्रोफेशनल डाटा एंट्री, मैं क्या क्या कर सकती हूँ, वो सारा उसने नीचे लिखा हुआ है। क्लियर हो गया? अच्छा, मैंने आपको कल असाइनमेंट भी दी थी कि आपने ना 5-6 जो गिग्स हैं उनकी ये अबाउट दिस गिग को पढ़ के आना है। तो इसमें जो सबसे पहली जो चीज़ हमने लिखनी होती है कि जो आपकी मेन सर्विस है ना वो आपने लिखनी होती है। उसके बाद फिर आगे आपने अपने बारे में बताना होता है कि मैं क्या क्या सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, और एंड पे आपने एक छोटा सा बेहतरीन सा मैसेज उसे सेंड करना होता है। इफ़ यू आर अनसिक्योर, या ये लिखते हैं कि प्लीज कॉन्टेक्ट एटलीस्ट वंस सो वी कैन डिस्कस फर्दर अबाउट योर बेस्ट पैकेज, ठीक है। अब जब आप ये लाइन लिखेंगे ना एटलीस्ट वंस, इसका मतलब क्या है, मैं खुद अब पर्सनल एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे पास 2-3 क्लाइंट के मैसेजेस आए थे, और वो उन्होंने खुद कहा था कि आपने अपनी जो प्रोफाइल है उसके अंदर लिखा हुआ था कि प्लीज एटलीस्ट वंस इनबॉक्स में, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपको इनबॉक्स कर दो, तो वो ये बात है कि जब एक दफा क्लाइंट आपके पास इनबॉक्स में आ गया, अब आपके ऊपर है कि उसको किस तरह से मोल्ड करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल या कुछ ट्रिक्स आपको इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, जिसके जरिए आप क्लाइंट को अपनी तरफ अटैच कर सकते हैं। हम अभी फिलहाल के लिए क्या करते हैं, इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ। मैंने इसी को कॉपी किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर जाओ, बस ठीक है। आपने ना 5-6 गिग्स को पढ़ना है, और उसके जो मेन मेन पॉइंट्स है ना वो आपने लिखने हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कहा था कल असाइनमेंट्स दी थी, ठीक हो गया। अपना बेटा एक्स्ट्रा सर्विसेज का ना मैं आपको कल इंशाल्लाह बताऊंगा, अभी फिलहाल के लिए ना इसको रहने दें।
वो मैं आपको इंशाल्लाह कल बताऊँ, क्योंकि एक ही दफ़ा सारी चीज़ें बता दी फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, मतलब कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी फिर। अच्छा किधर गया हमारा? हाँ ये रही। हमने यहाँ पर इसे मैंने इसे पेस्ट कर दिया, ठीक है, एज इट पेस्ट कर देता हूँ, बाद में हम इसे चेंज कर लेंगे। उसके बाद फिर आगे मैंने सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि रिक्वायरमेंट नंबर वन, कौन सी रिक्वायरमेंट आप सेंड करना चाहेंगे। जैसे लेट्स सपोज कि कोई आप ऑर्डर करते हैं तो आप उसके से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या नहीं, तो मैं सिंपल यही लिख देता हूँ कि प्लीज प्लीज प्रोवाइड फुल डिटेल्स। ठीक हो गया, प्लीज प्रोवाइड मी फुल डिटेल्स। उसके बाद मैंने इसे ऐड कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू। आगे आ जाता है गैलरी, और गैलरी का मैंने आपको बताया था कि आपने ना अपनी वीडियो बनानी है, ठीक है, उस वीडियो के ज़रिए हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है। ये जो गैलरी की जो पिक्स हैं, ये भी कुछ अच्छी रेजोल्यूशन की आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिएगा कि कौन सी किस स्किल के ऊपर आपने काम करना है। जैसे डाटा एंट्री की मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा स्किल दिखाई थी, डाटा एंट्री की, वर्चुअल असिस्टेंट की, इस तरह से काफ़ी ज़्यादा है। और आप एक ही अकाउंट पे मल्टीपल स्किल्स के साथ भी काम कर सकते हैं, जैसे एक गिग वेबसाइट के बना लें, एक गिग जो है ना वो पिक्चर के बना लें, इस तरह से डिफरेंट जो है ना वो बना लें। क्लियर हो गया? तो इंशाल्लाह सर, एक ऑर्डर क्यू में भी है सर जी, वीडियो मुझे बनानी नहीं आती, वीडियो नेट से उठा लेंगे। चलिए नेट से उठा लें, उसको थोड़ा सा एडिट वगैरह कर दीजिएगा, लेकिन कोशिश करें कि अपनी वीडियो बना लें, एक मिनट की, एक मिनट से कम की, अपने आप को थोड़ा सा मतलब कि मोटिवेट करें कि कोई इशू नहीं है, कैमरे के सामने ही आना है। अच्छा उसके बाद ये यहाँ से हमने वीडियो को लाना है, ठीक है, तो वीडियो को यहाँ से जब हम करेंगे तो वो अपलोड हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कोई एक छोटी सी एक ऐसे मतलब कि ना वीडियो शीडियो उठा लेता हूँ, तो अगर मेरे पास पड़ी हो तो चलिए मैं ये उठा लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये एक वीडियो टेम्परेरी तौर पर ली है, बाद में इसे हम चेंज करेंगे, कल हमने चेंज करना है ना, तो ये भी आपको सिर्फ जस्ट एक दे रहा हूँ। अच्छा इमेज को भी एक सेलेक्ट करना है, उसमें पड़ी होंगी। चले मैंने एक इमेज भी उठा ली है, ठीक है। उसके बाद फिर आगे मैंने इसे कर दिया सेव एंड कंटिन्यू, और ये हमारी गिग क्या हो चुकी है, पब्लिश हो चुकी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये हमारी एक गिग बन गई है। अब इसको हमने सर जी एक प्रॉब्लम हो गई, लाइट नहीं आ रही, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बेटा मैं आपको ना रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा, तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा। मैंने यहाँ से सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर क्लिक किया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट गिग होती है ये बेटा, याद रखना, जितना बेहतरीन किस्म का ना गिग आपकी होगी ना, उतनी ज़्यादा आपका। अब ये देखें हमारी गिग उसी तरह से बनी हुई नज़र आ रही है, ये नीचे सारी डिस्क्रिप्शन है, और ये जनाब मेरे बारे में इंफॉर्मेशन है, और ये बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम ये पैकेजेस भी आ रहे हैं, ये देखें बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अब जिसने ऑर्डर करना होगा वो यहाँ से क्लिक कर देगा,
ये थी एक बेसिकली आज केक बनाने का मेथड। अच्छा, एक और चीज़ जो बायर रिक्वेस्ट